बर्दाश्त। विष्णु भाई मुसलमान, आपने अगर मुसलमान को इन नटशल समझना ना, मुसलमान मुनाफिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो मुलहिद बर्दाश्त कर लेगा, वो मूर्ति पूजा बर्दाश्त कर लेगा, वो काफिर बर्दाश्त कर लेगा, वो सब कुछ बर्दाश्त कर, वो मुनाफिक नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मुनाफिक के लिए जरूरी नहीं है कि आप दाढ़ी टोपी पहन कर आओ तो फिर आप अंदर कुछ करो तो मुनाफिक, नहीं, मुनाफिक कहते हैं हिपोक्रेट को। हिपोक्रेट का मतलब ये है, जैसे वेद ने कहा हुआ है, मैंने रखा था वेद का मंत्र, ये वेद में लिखा है वो राक्षस हैं, वो असुर हैं, ये जिनके मन में कुछ और, आत्मा में कुछ और वाणी अपना कर्म में कुछ और ही होता है, उनको ये कहा गया, मैं ठीक है एक ना। बात ये बात तो मैं एक वही बात वही इसने की है। ये ब्रह्म राक्षस ये जो है, ये टिट्टो बिल्कुल वेद के इस मंत्र के ऊपर पूरा उतरता है। मैं भी दिखा भी दूंगा, आप बात करें, सैम भाई ने जो बात किया उसके ऊपर जरूर अपनी रखे बात। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जी सनातन की परंपरा शास्त्रार्थ की सदियों पुरानी है। याज्ञवल्क्य का और गार्गी का प्रसंग आप उठा लें, उसके बाद शंकराचार्य ने चारों कोनों पे जाकर के सबसे शास्त्रार्थ किया है। शंकराचार्य का मंजन मिश्र के साथ शंकरा बहुत मशहूर है। और आपको वास्तव में अगर सनातन के बारे में जानना है ना, आइए, इस समय तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा हुआ है, लाखों की संख्या में आपको मिलेंगे और एक से एक बड़े विद्वान मिलेंगे। आए आप 1 महीने रहें, जरा सा आप जी करें तसल्ली से करें। अगर अगर विषयों का गंभीर अध्ययन करना है, जानने का की ही तलब है ना, शौकी दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। यहाँ पे कितने लोग मिलेंगे इंटरनेट जानने वाले, और नहीं आप नहीं ये आए, बात, ये नहीं नहीं विष्णु भाई सॉरी, आपका आप पॉइंट आ आए गया, ना। आपका पॉइंट आ गया। सैम भाई इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, हम यहां क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ी है, ठीक जी, है, हम तो नहीं थे। मैं विषयों का कितनी बार बात की हुई है, गंभीर सैम भाई इस पर अध्ययन बात करना रखते हैं। मैं सॉरी, है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल, सैम भाई इस पर बात रखे। रोर भाई सॉरी, आपको वेलकम करना भूल गया, रोर भाई को वेलकम करते हैं। जी अहलन नहीं वसहलन, नहीं ठीक बहुत है, थैंक अस्सलाम यू, वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम। सभी। वालेकुम आप अस्सलाम कंटिन्यू रहमतुल्लाहि रखें आमिर वालेकुम, भाई, जी, आप कंटिन्यू साथ ही रहें। जी सैम भाई ये जी। बात, देखिए विष्णु भाई, ये कोई नई बात नहीं है जो हम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हमें सिर्फ आए सिर्फ 1 साल हुआ है, हम उससे पहले अवेलेबल नहीं थे यूट्यूब पर। क्यों आए हम? ये सारी चीजें देख कर ही आए, एक्स मुस्लिम शो देख कर आए, सनातनी इसको देख कर आए हम, कि भाई ये इतना गंदा बोल रहे हैं हमारे बारे में कि भाई इनको इजाजत नहीं है ये सब बोलने की, ना ही किसी को है इजाजत दे इजाजत किसी की मजहब के रिलीजियस फिगर को आप टारगेट करें या फिर इस तरह से बदतमीजी करें या बोले या गाली दे मॉक करे, किसी को इजाजत नहीं है। अब हम कितना वेट करें, कितना रुके, हम हमारी तमीज के दायरे में, आप मुझे जानते बेहतर जानते हैं विष्णु भाई, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं किया हूँ, किसी को गाली नहीं दिया हूँ मैं आज तक, ना ही कोई रिलीजियस फिगर्स को उस लेवल पर जाकर मैंने कुछ गाली वाली दी है जिस तरह से ये देते हैं, मैंने कभी नहीं दिया है। मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, सनातनी मेरे बहुत खास दोस्त भी है, इन रियल लाइफ मेरे बहुत सारे दोस्त है सनातनी, और मैं हर सनातनी की रेस्पेक्ट करता हूँ सिवाय इस्लामोफोब्स के, जो एक अजीब अजीब नफरत लेकर बैठे है भाई। किस चीज की नफरत भाई? और वो अपने आप को बोलते हैं कि हम सनातनी योद्धा है, योद्धा है तो फिर आइए भाई बात करते हैं, हम बात करते हैं ना, अगर आप योद्धा है तो बताइए, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देखिए विष्णु भाई आप ये बोल रहे हैं कि आप जानना है, अगर आपको जानना है तो आप सो एंड सो, आप 1 मिनट दीजिए मुझे, आप बोल रहे हैं कि अगर सनातन धर्म के बारे में जानना है तो आप यहाँ जाइए वहां जाइए उनसे मिले, जानना नहीं है मेरे भाई, जानना नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे आपके लोग हिंदू जो है सनातनी है वो इस्लाम को गाली ना दे, इस्लाम के रिलीजियस फिगर्स की बेहुर्मती ना करे और मुसलमान को चैलेंज ना करे, जब वो खुद ही से आगे से चैलेंज करते हैं तो भाई एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, हमने वही किया है। ब्रह्म राक्षस ने आगे से चैलेंज दिया है कि भाई ये लोग डरते हैं आते नहीं है, डरते हैं आते नहीं है, गालीबाजी करता है, बदतमीजी करता है अपने चैनल पर बैठकर, मॉक करता है सबको, डरपोक बोलता है। अब आ गए हम डिबेट का चैलेंज लेने के लिए तो इसकी हाल ये हो गया, बच्चे के जैसा रो रहा है, बच्चे की जैसी हालत हो गई है। तो ये लायक है आदमी चैनल बनाकर चैनल पर रहने के लिए या सनातनियों के पैसे खाने के लिए? नहीं है, नहीं है भाई, ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें आप। हम भाई दूसरा मैंने बोरिया आप बिस्तरा, जी हम बोरिया बिस्तरा बनकर हम चले जाएंगे अगर कोई सनातनी अगर ऐसा कुछ नहीं करेगा ना, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी को हम बोलेंगे नहीं, जरूरत ही नहीं है हमें। हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, आदर करते हैं, हर रिलीजन के बीच में हम उठे बैठे हैं, सारे कौम के हमारे दोस्त है, भाई के जैसे दोस्त हैं हमारे, नहीं चाहते हम किसी को ऐसा कुछ बोले, बेहतर नहीं, दूसरी बात जानते हैं सैम विष्णु भाई। भाई जबरदस्त, जी, जी जबरदस्त विष्णु भाई, रुकिएगा मैं बात यहां पर कर रहा हूं। यार हमें कहा जाता है भाई एकेडमिक डिबेट करो, सामने से कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं बड़ी खुल के बात करता हूं,
किससे बात करें? आप आते हो, आप अच्छे हो, दूसरा आपके बाद आएगा वो आके माँ बहन की गालियां निकालनी शुरू कर देगा। चलो हम कहेंगे ठीक है, हम कहेंगे चलो यार हर कम्युनिटी के अंदर एक आध होता है, वो भाई नेशनल टीवी पर बुलाया, पूरा प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसको फॉलो किया जा रहा है। विष्णु भाई आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम उस कम्युनिटी के लोग हैं जो विक्टिम हो रहे हैं, हम अफेक्टिव हैं, आप आंखें बंद कर लो, आपको ऑल इज वेल लग रहा होगा। वो गैप आ चुका हुआ है कम्युनिकेशन का, ये वेद में पेश कर रहा था। अब देख लें हिपोक्रेट जो है ना उससे नफरत है, वेद को भी और इस्लाम को भी। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, 3रा मंत्र, ठीक है ये मैं पढ़ देता हूं, ये बिल्कुल इस बंदे के ऊपर पूरा आ रहा है। ये देखिए क्या लिखते हैं, वो ही मनुष्य असुर दैत्य राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते वाणी से और बोलते और करते कुछ ही हैं। वह कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते, और जो आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण आचरण करते हैं, हाँ सॉरी आचरण करते हैं, थैंक यू, आचरण करते हैं, वही देव आर्या सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। कौन? जो हिपोक्रेट नहीं होते, जिनका मन आत्मा और कर्म एक सा चलते हैं, एक सा आचरण करते हैं। तो हमारा मकसद कहने का ये है, सिंपल, एक बंदा है उसको कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई इशू है, आए इस्लाम पर आकर बड़े से बड़ा जो उसको लगता है ना कि मैं ऐसा इतराज करूंगा कि लोग हिल जाएंगे, अच्छे प्रकार से इतराज रखते। ये कौन सा इतराज है कि गाली गलौज करनी है, फलाना करनी है? सैम शरण भाई हैं, मैंने इनको हमेशा सुना है, हमेशा वो बंदा न्यूट्रल होके बड़ा बेसिक होके वो बात, अली रदखुरम भाई, मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो अपने आपे से इस तरह बाहर हुए हों कि अखलाक का दामन छोड़ दिया हो। अब मेरे जैसा बंदा है वो सही है, जहां इन जैसे अच्छे लोग हैं वहां मेरा जैसा कोई थोड़ा टेढ़ा भी बंदा है। तो मगर ये लोग पूरी प्लानिंग के तहत चैनल्स खोल के इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं, और जब डिबेट के लिए बुलाया गया घर घुस के, ये टेस्ट केस है सैम भाई, चलो मैं ये भी कह देता हूं, ये हमें भी कह रहे होते हैं जी फलाना नहीं आता फलाना नहीं आता, जो आया है उसके साथ तुम लोगों ने क्या किया है, तो तुम्हारा भरम तो टूट गया, तो छोड़ दो ये बात है। अच्छा नबीर भाई, एक मैं एक व्यवहारिक प्रश्न पूछता हूँ आपसे, इन इन चीजों को एक तरफ रखते हुए, आपने कभी कभी कीचड़ को, कभी गंदगी को कीचड़ से साफ करते हुए देखा है? नहीं। हुआ तो ये है, अगर आप, अगर मेरी बात सुन लें, अगर आपके कपड़े पे कीचड़ लग गया तो आप एक तो साफ बाटल का पानी उठाते हैं उसको धो देते हैं। गंदगी को कभी गंदगी से साफ आज तक मैंने होते हुए नहीं देखा, 50 साल की मेरी उम्र गुजर गई। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, अब मेरी मिसाल ले लें, इसी उपमा को ले लें, नहीं 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 उपमा, ये उपमा खराब होगी ना, खराब होगी। आपके घर के अंदर गटर बंद हो गया और बाथरूम के अंदर पानी बढ़ गया और वो उबल रहा है, जैसे रोडों पर गटर बंद हो जाता है, सीवरेज का विकास का निजाम थोड़ा तबाह हो जाता है, कैसे निकालेंगे? अंदर जाता है आदमी, अंदर जाकर ब्लॉकेज को, जहां से वो सेंस करता है ब्लॉकेज को, उसको खोलता है, तेजाब फेंकेगा, कुछ और चीज फेंकेगा, पानी का प्रेशर, गर्म पानी का प्रेशर बनाएगा ताकि वो चीजें हों, वो सारे पॉसिबिलिटी जो चीजें हैं वो करता है। आपको उतरना पड़ता है, हमें उतरना पड़ा, सिंपल, इतनी सी बात है। या विष्णु भाई आपके सामने भाई, हमें, मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, हमें उतरना पड़ा है, मेरी जाने भला, मुझे का खा खा पा पू पू, मुझे तो समझ ही कोई नहीं आती थी मेरी, ये 4-5 महीने से पहले मुझे समझ, मैं हिंदी देखता था, मैं कहता था ये क्या है, कीड़े मकोड़े, मेरे लिए नई लैंग्वेज थी, मुझे तो नहीं पता था। तो हमें आप लोग, आपके इन साथियों ने, दोस्तों ने हमें कहा, तो फिर हमने बताया कि हम कौन हैं, हमने समझाया और दिमागों पर गर्म पानी डालकर बताया कि कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तान हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर इतिहास के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान छोड़ आए हैं, कमाल है। तो ये कोई गलत फहमी ना रहे, हमारी मोहब्बत को, हमारे एहतराम को, हमारे प्यार को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, बस इतनी सी बात है। क्या हम गलत है ना, हम किसी के साथ अन्याय करेंगे ना अपने साथ अन्याय होने देंगे, सिंपल। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन अमीर भाई हुआ क्या है,
बोतल का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और दोनों चाह रहे हैं कि उसको बोतल हम जिन खाने वाली कौन है, टेंशन ना लें सर। होगा ये कि आप उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगे, वो आपके ऊपर कीचड़ उछालेंगे और इसका अंजाम देखें 6 महीने बाद क्या होता है। अभी 6 महीने से मैं किसी पर प्रत्येक व्यक्ति का यही आरोप है, उनका ये कहना है कि भाई हमारे ऊपर आरोप क्या करें तो क्या करें हम तो। विष्णु भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, इसी को डेमो कर लेते हैं। लो जी लिख लो, ये टाइम सैम भाई, अली भाई, जुल्फकार रोड भाई, विष्णु भाई, ये हम लोग स्क्रीन पर मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम नोट कर लें। विष्णु भाई ये बात आपने जाकर साहिल के, एडम सीकर के, पिछवाड़ा के, अब मैंने ये नाम ले दिए, हो सकता है अभी आपके साथ और करें, आईडी चेंज करके जानी है, ठीक है, ये बात आपने जाके उधर करनी है। मैं देखता हूं 5 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड मैं वेट करूंगा आपको टिकने दें स्टेज के ऊपर, और फतवा ना लगाएं, ये ना बोलें कि ये मुल्ला है, वो आपको बोलेंगे ये मौलवी अंदर से, ये मुसलमान है छुपा हुआ। 5 सेकंड मैं कोशिश करता हूं कि एजम सिकर से मेरी बात हो, पिछली बार मेरी बात हुई थी उनसे और मेरी बात हो, मैं सीधे सीधे आपसे उनकी डिबेट करवाऊं और मैं चाह रहा हूं कि अच्छा इस बात पे क्यों नहीं आए, इस बात पे क्यों नहीं आए आपके, उनको बोलें कि ये ब्लास्फेमी ना करो, ये चीजें ना करो, डिबेट तो आपने करवा दी, वो तो अच्छी बात है, वो करवाएं, मगर मैं जो आपसे जो जिस पे आपको बात करना चाह रहा था वो आपने क्यों नहीं की कि आप ये कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं बिल्कुल। देखिए सिंपल सी चीज है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना बहुत आसान है, मैंने बात यहीं से शुरू की थी, ये बहुत आसान काम है। विष्णु भाई सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, एडम सीकर की मेरे साथ मानता है तो, सैम स्टलन भाई है मानता है तो, अली रजा खुरम भाई है मानता है तो, 2-वे डिबेट करवा दें, 1,00,000 रुपया इनाम, सिक्का राजुल वक्त आपका। चलें मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, वादा रहा आपसे। हाँ 1,00,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त, 2-वे डिबेट होगी, उसकी क्रिश्चियनिटी को भी हम चौंक के अंदर लाएंगे, बाइबल को भी, ये उसको बता दें। बस सर हो, मैं कुछ कह रहा हूँ, स्वस्थ परिचर्चा हो, क्या मसला है इसमें। हाँ उसको कहिएगा, उसको एक सिर्फ आपने जाके ना सिर्फ इतना बोलना है, आपने कहना है सैम स्टेलन, आमिर हक, अली रजा खुरम, ये 3 बंदे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, एनी टॉपिक हाँ कोई भी, अगेन रिपीटिंग, आई रिपीटिंग माय सेल्फ, एनी टॉपिक क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम इन मैदान आ जा, ठीक है, यही तो कटिंग में लगाकर आपको पूरी बात भी सुनाई देगी आपका। हाँ मैं ये बात ज्यों की त्यों जो है मैं रखूंगा, ये वादा रहा आपसे, ठीक हो गया, थैंक यू। कोशिश करिए विष्णु भाई सलाह देता हूँ, कोशिश करिए ये नाम आखिरी में लीजिए, पहले अगर नाम लेंगे तो निकाल देगा वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे और ये बात मैं ज्यों की त्यों सामने रखूंगा आप ही के शब्दों में कि भाई आप लोग मिलिए, बैठिए, बात करिए और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की तुलना में बढ़िया जो चीज है जेन्युइन सामने आए, दर्शकों को हक है भाई, दर्शक सीधे साधे उल्लू बन रहे हैं, आप उनको गलत कहेंगे वो आपको गलत कहेंगे, हमारे जैसे 50 साल के बुढ़े पता चला हर जगह जलील होंगे, जो आपके लिए सिंपल है विष्णु भाई, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी मेरी मोहब्बत सैम भाई से, हम लोगों से आपकी मोहब्बत, हमारे दर्शकों से इतनी मोहब्बत हो गई है, उम्र आप एक गुजार चुके हैं, अब आपको किसी चीज का भय भय तो है कोई नहीं, ठीक है ना, किसी का भी, चुप करके इस्लाम कबूल करें, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आखिरत भी सवारे हैं, माता की खिदमत तो कर ही रहे हैं, कई चीजें आपके माइंड में वैसे ही सिद्ध हैं, आपको या तो किसी का डर हो, इंडिपेंडेंट आदमी है, ना कोई डर है ना कोई टेंशन है, बच्चों की भी टेंशन कोई नहीं, भाभी भी अपनी जगह पर ठीक है, चुप करके इस्लाम कबूल करें, मैंने देखा है आपके अंदर 80% तो वैसे ही आप माशाल्लाह पहले से ही मैं देखता हूँ कि आपके अंदर बड़ा सुध बुध है इन चीजों का, कुरान आपने वैसे पढ़ना शुरू कर दिया, इस्लाम कबूल करें। अमीर भाई एक बात बताएं, मुसलमान कौन, बिना सोचे आंसर दे, बिना दिमाग लगाए, मुसलमान कौन, जो अल्लाह वहदहु ला शरीक को माने और उसके आखिरी पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने पेश किया कुरान, उसके ऊपर ईमान रखता और उस पर अमल करता हो, ये इन शॉर्ट है, अब इधर ही बात है, इसकी डिटेल्स हैं, मगर आपने बोला मुसलमान कौन, बेसिक ये है, अल्लाह वहदहु ला शरीक को जैसे वो है वैसे माने और उसके आखिरी पैगाम को, यानी पीछे सारे पैगाम हैं जो चलते आ रहे हैं, उसके आखिरी पैगाम के ऊपर अमल भी करे और उसको माने जो अल्लाह के रसूल के पास है, सिंपल। बहुत बेहतर, मैं आपकी बात रखूंगा। हाँ?
रखें। विष्णु भाई आप मेरे साथ कभी अकेले बात करें ना, मैं लिस्ट बनाकर दूंगा जो चीजें आप में पहले इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो मैं आपसे बात करके ही सिर्फ समझ पाया हूँ। आप में से मुझे लगता है एक लंबी लिस्ट होगी जो आपके अंदर पहले से, शराब आप नहीं पीते होंगे, ऐसा ही है। मैं कुछ नहीं पीता, मैं जिंदगी में पान तक नहीं खाया। जबरदस्त, लो ले, बहुत अच्छा। यही बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो हमारे सनातनियों के लिए मुश्किल होती हैं। जुआ खेलते हैं आप? जुआ भी नहीं खेलते होंगे? कुछ नहीं, जुआ भी नहीं, शराब भी नहीं पीते। अच्छा, इसी तरीके से झूठ ऑब्वियसली नहीं बोलते, ठीक है, अपनी माता जी का ख्याल रखते हैं। रह जाकर जिंदगी के उस हिस्से के अंदर है जिस हिस्से के अंदर इंसान सिर्फ सत्य की खोज करता है, उसको कोई लालच को लाभ नहीं होता कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, जिंदगी के उस हिस्से के अंदर है। तो मैं आपको सही बताऊं दिल की बात, आप सही तरह पढ़े इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इसी तरह रहे, आपकी नीयत ये रहे, और अल्लाह करे कि आप आखिर तक ऐसे ही यानी आप अच्छे एक नीयत के साथ रहे, मेरे ख्याल से आप जैसे बंदे के लिए इस्लाम से बेहतर कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं खुद भटक चुका हूं ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस तरह सुकून नहीं आएगा। और आपका आपका विजन भी ब्रॉड है, मैंने नोट किया, यानी सनातन को भी अच्छे से जानते हैं, उसकी जानकारी भी ठीक ठाक है। ऐसे नहीं है कि आप वो सरफेस जानते हैं सुन सुना के, नहीं, शास्त्रों का ध्यान भी है, ऐसा बंदा ज्यादा अच्छा है। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमसे हालत कुफर में अच्छे लोग थे ना, जब वो इस्लाम लाते हैं वो मुसलमान भी उससे बेहतर होते हैं। ये हजरत उमर के बारे में बात कही थी, क्योंकि हजरत उमर जब इस्लाम नहीं लेके आए थे ना, तब भी एक बिल्कुल शुद्ध आदमी थे, ना कभी किसी का झूठ बोला, ना कभी जो है ना किसी के साथ ज्यादती की, ना कभी ऐसा किया, और सच्ची बात को खोज के अंदर रहे हमेशा। जब इस्लाम कबूल किया तो उमर जैसा शाहकार किसी ने देखा ही नहीं, इसीलिए उनको शाहकार रिसालत कहते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु। देखिए अमीर भाई एक बात बता दूं, जहां तक इस बात का सवाल है कि अल्लाह एक है चाहे ईश्वर एक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो मैं मानता ही मानता हूं। लेकिन अब ये जो मुझे लग रहा है ना कि इस्लाम एक पैकेज के साथ आता है, इस्लाम को मानने का मतलब है कि अल्लाह को भी मानो और पैगंबर मोहम्मद साहब को भी मानो, जो है मेरी बात पूरी जानते, ये जो तीनों चीजें हैं पैकेज में, ये मेरे को समझ में नहीं आने कि इस्लाम को मानने के लिए उनके नबी को और उनकी किताब को मानना जरूरी क्यों है। उसके पीछे वजह किताब को, चलो फिर भी किताब को तो चलो फिर भी माना कि हाँ चलो ठीक है भाई, नहीं किताब जिसके थ्रू आई है, नहीं 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 नहीं, फिर देखें अगर आप अल्लाह वहदहु ला शरीक को मानते हैं उसके बाद फिर आप ये नहीं कह सकते किताब को मानता हूं तो मैं रसूल को नहीं, किताब आई ही उसके थ्रू है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जिसके थ्रू मुझे एक सत्य मिल रहा है मैं उसको नकार दूं, उसका क्लेम भी लेना होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसको अपनी बात रखने के लिए किसी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, मैं यहां इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं 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 अमर, यही अमर भाई ये बात है, जुम्मे वाले दिन रख लीजिएगा, आज जो बेस सवाल है वो पूछिए ना। हाँ फिर कभी बात करेंगे। हाँ ठीक है, इस पे करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त, हाँ बड़ी जबरदस्त एज के ऊपर गुफ्तगू आई है, थैंक यू जुल्फकार भाई आपने याद करवा दिया कि मीडिएटर की जरूरत क्यों है, क्यों ये चीज है, और अगर मीडिएटर ना हो तो क्या गलत फहमियां फैलती हैं। जो सनातन धर्म के अंदर हुआ है ना, बांत बांत की बोलियां बोली जा रही हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं और एक बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट, ये इसीलिए हुआ है विष्णु भाई जो आपकी ये सोच, और मैं आपको गलत नहीं कह रहा क्योंकि आप ब्रॉट अप ही आपका इस तरह हुआ है, इस तरह की परंपरा में आपको लगता ये है कि ऐसे होता है। आप जब आप इस पर गौर करेंगे ना अपनी चीज पर, इस पर डिटेल में करेंगे बात फ्राइडे को, जब आप इस पर गौर करेंगे कि ये क्यों शुरू हुआ सनातन धर्म के अंदर, ये सारी खराबियां क्यों शुरू हुई, क्यों, क्योंकि छोड़ा। आज भी हमारा मानना ये है कि जितने मुसलमान रस्ते से हटे हुए हैं, सत्य से हट गए हुए हैं, उनके पीछे कारण ये है कि रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया। अगर पलट आए तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। खैर सैम भाई, ओवर टू यू। विष्णु भाई कोई बात करना चाहते हैं सैम भाई से, या कोई सवाल जो आज चल रहा है? अली भाई काफी देर से खामोश है, वो भी जरूर बोलिए। बताया नहीं है सर, जो जिसने ये डिबेट के बारे में, वो तो आपने पूछा नहीं, वो विष्णु साहब ने बताया। मैंने वो डिबेट इत्तेफाकन सुनी थी मैं, सैम भाई जिस दिन गए थे ना, ये जो सवाल वाला था, जो सैम भाई ने उसको चैटिंग की है, जो मैसेज आए गए है, क्या ये एक डिबेटर की बात हो सकती है ये जो आपके सनातनी भाई ने किया है? ये इस तरह का कोई काम बंदा कर सकता है? आप उसे कह सकते हैं कि ये कोई डिबेटर है या कोई पढ़ा लिखा है, इसको पहले सवाल दे दो तो फिर ये जाके उसको रट लेगा तो फिर उसके ऊपर जवाब देगा? ये कोई इंसानियत वाली बात है भाई? इस पे बताइए, इसने ये हरकत जो की है इसके बारे में हमें बताइए। और आपने मैंने पूरी पूरी मेल तो मैंने नहीं पढ़ी है, वो एक लाइन जो आपने पढ़ाई मैंने पढ़ी है, लेकिन जहां तक मेरा अपना मानना है कि देखिए बात हो तो स्वस्थ माहौल में हो ना, एक दूसरे के ऊपर सरते क्यों थोपनी, दोनों लोग अपने दिल के मैल निकालें, एक तरफ साइड में रखें, और मतलब ये इल्म के लेवल पे बात हो, क्या बोलते हैं जो गुप्तगु, दिलों के मैल निकाल करके आपस में मिलिए बैठिए, बात करिए, जो हकीकत को सामने रखिए, तो मसला क्या है? जी जी विष्णु भाई, ये देखिए हम समझ गए हम आपकी बात, आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम भी प्यार मोहब्बत से ही अप्रोच करें।
सवाल ये उठता है कि भाई एक आदमी के पास नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, निल है, वो किसी को चैलेंज दे सकता है क्या? इसका हम अंदाजा कैसे लगाएं किसी के पास नॉलेज है कि नहीं है? कभी कभी तो बात बिल्कुल मूर्ख है और उसके वाला विद्वान निकलता है। ये तो जब बात करेंगे तब पता चलेगा वो तर्क क्या रख रहा है, तथ्य क्या रख रहा है। विष्णु भाई एक मिनट रखिए। आपको लगता है ब्रह्म राक्षस के पास नॉलेज है, डिबेट करने की काबिलियत है? अब ये सनातन धर्म वर्सेस इस्लाम आपने इतने स्ट्रीम सुने होंगे ना, देखे होंगे, क्या वो नॉलेज पोजेस करता है, गेन करता है? ईमानदारी में बता रहा हूं, मेरा अगर अपना अनुभव, अगर आप मेरा अपना ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मुझे सब के सब मूर्ख लगते हैं। प्योर मैं बता दूं, जितने लोग इस समय एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये इनकी गणना मूर्खों में आती है। कहा गया कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, जिसके अंदर विद्या होती है ना उसका पहला गुण होता है उसके अंदर विनम्रता होती है, और जो पोलाइट नहीं है, विनम्रता को उर्दू में क्या कहते हैं अमीर भैया बता सकते हैं? ब्रह्मराक्षस में और मेरे में पोलाइट होने मेरे भाई, किसी भी कोई भी व्यक्ति जो जो जिसका गुरु विष्णु भाई बोल रहा है ना, नहीं विद्वान नहीं, विष्णु भाई सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, उसमें और मेरे में ज्यादा गुण किसके पास है, अच्छे गुण? दो मेरी बात आप समझें, आपके अंदर नहीं, टू दी पॉइंट जवाब देना, टू दी पॉइंट जवाब दें, वो माँ बहन की गालियां, उसकी माँ बहन की गालियां सुना दूं आपको? अब इससे बड़ी मूर्खता का क्या प्रमाण मिलेगा बताएं? जो एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? खेला लगाने वाला मूंगफली बेचने वाला बढ़िया है, कम से कम इज्जत से बात तो करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस व्यक्ति अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपनी आवाज के ऊपर जिसका काबू नहीं है, उसको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? मुझे तो नहीं लगता अभी तक बात करने के काबिल भी है। बिल्कुल, हम अगर चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करे तो शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी, हमें खुद उसका सम्मान करना पड़ेगा। हम अगर किसी आइडियोलॉजी को डिस्कस करना जा रहे हैं तो डेफिनेटली कम से कम हमको इतनी तो रखनी पड़ेगी, हमको सामने वाले की आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मगर सैम भाई मैं वजह बता देता हूँ क्यों नहीं करते, क्यों ये गाली गलौज होती है इनके चैनल्स के ऊपर, ये देख लो, ये जरा विष्णु भाई मैं आपको भी दिखा देता हूँ यार, कहीं आप ये ना कहो कि आमिर हक जो है ना अपनी तरफ से कोई बोंगीबाजी कर रहा है, ठीक है ना, ताकि आपको ये भी ना लगे। तो ये देखना जरा किधर गया, किधर गया, उतनी देर आप बात करें सैम भाई, मैं निकालता हूँ सैम भाई। विष्णु भाई आप जो बात बोल रहे हैं ना वो हम समझ गए, पर पॉइंट यहाँ पर ये हो रही है, आज का जो सब्जेक्ट है ना उसके ऊपर बात हो रही है कि ब्रह्म राक्षस ने बड़क मारकर मुझे चैलेंज किया है, और मेल्स में एक बच्चे के जैसा रो रहा है कि भाई पेपर लीक आउट कर दो, मैं प्रिपेयर कर कर आकर डिबेट करूंगा, ये एक डिबेटर की निशानी है क्या? नहीं हो सकती है ना। सुनिए मुझे याद आ रहा है, मैं एक वेडिंग में था, यहाँ पर डिबेट की चर्चा नहीं हो रही है, वो एक डिस्कशन था राम मंदिर के ऊपर, ठीक है, उसके बाद मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है उसके चैनल पर जाकर, वो बड़क मार रहा था कि सैम यहाँ पर आता नहीं है डिबेट करने के लिए, एक ऑफिशियल एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर डिबेट करने के लिए ना आमिर आता है ना सैम आता है, ये लोग डरते हैं, तो तभी मैंने एंट्री की है और कर उसको डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है, और वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और बोला है कि मेल्स में हम बात करते हैं, मेल्स में बच्चे के जैसा हरकत कर रहा है, बच्चे के जैसा रोने पर आ गया है वो, और बोल रहा है कि भाई मुझे भी पता नहीं कि तुम किसके ऊपर टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो, मुझे पहले लिख कर दे दो तुम जितने पॉइंट्स है ना, लिस्ट बना कर तुम जो जो एतराज करने वाले हो उसकी लिस्ट बना कर दे दो, मैं तैयारी कर कर आकर डिबेट करूंगा तुम्हारे से। ऐसा होता है क्या? तैयारी कर पाएंगे? नहीं नहीं गलत बात। हाँ, तो यही बात हो रही है। जबरदस्त। अब ये सुन लें, ये भाई नहीं की जुबानी सुन लें, जो बड़े बड़े चैंपियंस विष्णु भाई आपकी कम्युनिटी ने, आपने नहीं, क्योंकि हम आप अब उस कम्युनिटी से हैं तो इसलिए हमें आपको ही गिला शिकवा रखना पड़ता है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पीछे कुछ हमारे साथ और भी सनातनी काफी देर से है, ये सुन लें जरा, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक मिनट, हालांकि मेरा बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूँ, और मैं कैसा इंसान हूँ जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती हैं, और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं, बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं
इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट। विष्णु भाई सुन लिया, ले ले मजा, ले ले मजा, ले। चले जी विष्णु जी आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अमित भाई ये तो ओपन सीक्रेट है, ये तो एज ए स्ट्रेटजी सभी लोग यूज कर रहे हैं, सबको व्यूअरशिप चाहिए, सबको सब्सक्राइबर चाहिए, समझ गए हैं। तो फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमारी पॉलिसी ये है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। विष्णु भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं, थैंक यू। मैं तो ये अनुरोध करूंगा प्लीज इन चीजों से ऊपर उठें आप लोग, और एक हम ऊपर उठे हैं, हम ऊपर हैं अल्लाह के हुक्म से। हमने अभी वो जुबान बोली नहीं है कभी जो जुबान हम सुनते हैं, ठीक है ना। अभी कल की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दें बस आगे बढ़े। जब वो जुबान सुनता हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं भी फिर उस तरह की जुबान बोलूं, मगर फिर हमें बाद में फील होता है कि यार हम इन इस तरह नहीं हम कर सकते, जितना कर सकेंगे उतना जरूर करेंगे मगर नहीं। बड़ा दिल दिखाए आप लोग, आप लोग ईमान वाले हैं, अहले किताब वाले हैं। अगर कोई गलती कर रहा है तो प्लीज आप लोग अपनी तरफ से उस चीज को इग्नोर करें यार, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। और मैं आपका संदेश पहुंचाऊंगा जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी पहुंचाए बहुत शुक्रिया। हाँ वो पहुंचाए, असल काम। थैंक यू विष्णु भाई हमारे साथ थे, सैम भाई हमारी एक नन्नी सी छोटी सी मुजाहिदा है, मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी में उनको लें, और मैं दोस्तों से कहूंगा कि जरूर हमारी इस नन्नी मुजाहिदा के चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब करना है जी। ये मैं खुद बोल रहा हूँ इससे पहले कि ये मुझे कह दें कि नहीं नहीं मैं इसलिए नहीं आई, मगर ये है कि हमारा फर्ज बनता है हमारी जो सिस्टर्स हैं छोटी बहनें हैं उनको सपोर्ट किया जाए। जी सकीना सिस्टर, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई, ठीक हो, खैरियत? मैं ठीक हूँ आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम सैम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ, मैं मतलब पहले सैम भाई नहीं थे ना, तो आज सैम भाई आए तो पहली बार हमसे बात करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। सकीना सिस्टर मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने तो वो भिगो भिगो के छितरपोला की है, हैं? तो आप तो मुझे भी पीछे छोड़ गई हो, मैं तो देख रहा, मैंने कहा ये अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह ये नन्ही सी हमारी मुजाहिदा अल्लाह ताला सलामत रखे, आपने तो धो धो के और बड़ी मेहनत से रेफरेंसेस हदीसों के आयतों के पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। इस तरह की वीडियोज आप बनाती रहो, अल्लाह सलामत रखे। जी जी भाई, भाई जी भी हेल्प करते हैं थोड़ी थोड़ी मेरी, मतलब सब मुझसे एकदम नहीं हो पाती। नहीं नहीं माशाल्लाह जारी रखो, टीम वर्क ऐसे ही, अल्लाह ताला भाई को भी, आपके भाई को भी जाय खैर दे जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और आप भी इस तरह काम करती रहो माशाल्लाह, जबरदस्त। जी भाई वो जो है ना आज अभी आपने वो वीडियो बनाई, वो उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो हेटेड भाई की है? कौन से? वो हेटेड भाई जो है, जी वो ना इतने जाहिल थे, गवार इंसान है। जैसे मेरी क्लास में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैम प्लीज इस पर ना जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन पर टिक लगा दीजिए प्लीज, तो वो ऐसे ही कर रहे हैं मतलब सेम। माशाल्लाह देख लिए सैम भाई। जी 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 ऐसा ही है, ये बात ये स्कूल के बच्चे तक नहीं करते, अभी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं करते, 5th स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे शायद करें तो करेंगे। वो से गए गुजरा है मेरे ख्याल से, उन्होंने नर्सरी क्लास में भी टीचर से भी कहा होगा। हाँ वही ना, यानी ये तो बच्चों से भी इसका मतलब है, और सुन लो और सनातनियों और गैरत खाओ यार, हमारे बच्चे कह रहे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं कि इस तरह तो बैक बेंचर्स भी नहीं करते स्कूलों में, जो निकम्मे किस्म के होते हैं, जिनकी हमेशा पैंट की जिप खुली रहती है, इस तरह के बच्चे भी नहीं ये शरारतें करते जो तुम कर रहे हो। गंदे बच्चों बाज आ जाओ, शरारती बच्चों बहुत पिटाई होगी, मैं बता दूं तुम्हें, मैं डंडा पकड़ के ना बहुत पिटाई करनी है, हेटेड 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 ये सही था। जी जी आप बोल लो। जी भाई आप फ्राइडे पर ओनली फॉर मुस्लिम वीडियो बनाएंगे? इंशाअल्लाह देखो जो भी जैसे भी मौका मिला इंशाअल्लाह जरूर। मैंने ना कल चेक किया था, भाजी ने मुझे दिखाया है आपका सब्सक्राइबर, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने मम्मी को पापा को सबको दिखाया। क्या चीज? आप मुझे सब्सक्राइब किया था। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब भाई करें जी,
हमारी नन्ही मुजाहिदा है, इनको खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह जरूर। नहीं नहीं बोलना होता है, अल्लाह ताला सपोर्ट, ये सबका फर्ज है, ये भाई।